हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। अपन डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ट्रैवल नॉर्मल किचर, और ट्रैवल नॉर्मल किचर में अपन ने डिस्कस कर लिया था क्या क्या कर लिया था, बेस्ड ऑन सोर्स, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ आईसो, यूज ऑफ नियो, यहाँ तक का जो कॉमन नेमन किचर था, ट्रैवल नॉर्मल किचर था, वो अपन ने कम्प्लीट कर लिया था। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, अगर जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दूसरा, आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक्स ओवरऑल जितने भी नॉर्मल किचर यूज किए हैं उन सभी को मैं कैसे आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, वो कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं अपन आगे की। जो ट्रैवल नॉर्मल किचर था उसमें अपन ने बात कर ली थी बेस्ड ऑन सोर्स, ये अपना टॉपिक डिस्कस हो चुका था। दूसरा, यूज ऑफ एन कैसे किया जाएगा, वो हो गया था। थर्ड, यूज ऑफ आईसो, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। फोर्थ, यूज ऑफ नियो, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ सेकेंडरी, टर्सरी और ओवरऑल, इन सभी का एक साथ कंपैरिजन। तो देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास यूज ऑफ सेकेंडरी का यूज किस कंडीशन में किया जाएगा, ये अपने को देखना है। तो देखिए, बात अपन छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं अपन। ये अपने पास एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। ये अपने पास क्या है, यस, कॉमन नेम इसको क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन, क्योंकि चार कार्बन इसलिए ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्डेड इसने एन लगा दिया, और अनब्रांच कार्बन चैन इसलिए क्या लगा दिया मैंने, एन ब्यूटेन। ध्यान रखना, प्रोपेन के आगे, इथेन के आगे और मीथेन के आगे एन का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके कोई भी आइसोमर्स नहीं बनते। ये अपन ने यूज ऑफ एन के अंदर और आइसो के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ इस कार्बन के नेचर की, तो 1 डिग्री, और इस कार्बन के नेचर की बात करें तो 2 डिग्री है। तो अगर मैं दोनों कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाता हूं, तो मेरे पास कुछ इस तरह का एल्काइल बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि अनब्रांच होगा, क्योंकि टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, इसलिए ये क्या है, अनब्रांच। देखिए, ब्यूटेन से क्या बना, ये ब्यूटाइल, और ये ब्यूटाइल अनब्रांच होने की वजह से अपन क्या लगा सकते हैं, इसके आगे एन लगा सकते हैं। चलिए बात करें सेकेंडरी इस कार्बन की, देखो 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन कह सकता हूँ मैं इसको। अब देखो, 2 डिग्री कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन को हटाता हूँ, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनता है या जो स्ट्रक्चर बनती है, वो इस तरह के ब्यूटाइल की बनती है। ये भी ब्यूटाइल है, देखिए दोनों ब्यूटाइल थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, ये अनब्रांच था और ये ब्रांच हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से क्या निकली हुई है, हाइड्रोजन रिलीज है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये ग्रुप जिसको मैंने बनाया है एन, ये जो ब्यूटाइल है, क्या उसमें एन का यूज हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हो गई, अब जाहिर सी बात है वहाँ कोई ना कोई हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई अदर ग्रुप लगेंगे, तो ये कार्बन चेन क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ एन का यूज नहीं हो सकता। और अगर आइसो की बात करता हूँ, तो मैंने ये कहा था कि आइसो स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आइसो का यूज भी नहीं होगा। जब आइसो का यूज नहीं होगा, तो फिर अपन बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की, जहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, क्या कह रहा हूँ, उस कार्बन की जहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, तो उस कार्बन की नेचर क्या है, यस, क्या है, सेकेंडरी। इसलिए मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, सेकेंडरी लगा दूंगा। तो यहाँ इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखिए, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं यहाँ इसी कंपाउंड के अंदर OH अटैच कर देता हूँ, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि अपन जानते हैं OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, ठीक है भाई। अपने सारे कवर कर लिए पीछे वाले वीडियोस के अंदर। अगर मैं CN लगा देता हूँ, तो साइनाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल साइनाइड। अगर मैं यहाँ पर अमीन ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। ऐसे अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन लगा देता हूँ, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। अगर मैं यहाँ पर BR लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह से अपन सेकेंडरी का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई भाई। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका। बात करते हैं यूज ऑफ टर्शरी की। टर्शरी का यूज कहाँ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ये देखते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल अपन बात करते हैं। एक कंपाउंड लेता हूँ
देखिए देखिए इसका नाम क्या होगा, आपको आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है? यस दिख रही है। कैसे? एक सी एच और दो सी एच थ्री ये दिख रहे हैं, आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन है। अब टोटल कार्बन कितने हैं, तो आप कहोगे सर फोर, तो अपन कह देंगे इसको जनरली ब्यूटेन, और आइसो स्ट्रक्चर इसलिए आप इसके आगे क्या लगा दोगे, यस आइसो लगा दोगे, और इसको क्या कह दोगे, आइसो ब्यूटेन कह दोगे। अब इस आइसो ब्यूटेन की बात की जाए तो इस आइसो ब्यूटेन में ये वन डिग्री कार्बन, सारे टर्मिनल कार्बन कितने हैं वन डिग्री, लेकिन ये जो कार्बन है वो कितने डिग्री है थ्री डिग्री। तो अगर मैं टर्मिनल कार्बन किसी भी एक वन डिग्री कार्बन की बात करता हूँ, तो वहां से अगर मैं हाइड्रोजन हटाता हूँ, एक हाइड्रोजन हटा के देख रहा हूँ भाई, तो देखो ये अपने पास क्या बन गया, ब्यूटाइल। अब देखो इस ब्यूटाइल में अभी भी आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन है, इसलिए ये कौन सा ब्यूटाइल हो जाएगा, यस आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। लेकिन अगर थ्री डिग्री कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा, यस, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी एस थ्री होल थ्राइस सी फ्री वैलेंसी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो लिखने में कैसा भी लिख सकता है एग्जामिनर, ये अपने को पहचानना है। अब देखो क्या इसके अंदर अब आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन है क्या, तो आप कहोगे कि नहीं सर, क्योंकि इसमें इस सेंट्रल कार्बन में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब यहाँ सी एच नहीं है, अगर सी एच नहीं है तो ये आइसो स्ट्रक्चर भी नहीं है। अब दूसरा अपन बात करें एक एक टाइप की, कि क्या मैं इसको एन का यूज कर सकता हूँ, तो आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि इट इज अ ब्रांच कार्बन चेन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सेकेंड, क्या इसमें हम आइसो का यूज कर सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ सी एस थ्री तो है लेकिन सी एच कार्बन नहीं है। क्या यहाँ सेकेंडरी का यूज कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी कार्बन ही नहीं है। क्या यहाँ नियो का यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि नियो के लिए मिनिमम कार्बन का जो क्राइटेरिया था वो कितना था, फाइव कार्बन का था। बात क्लियर है, फाइव कार्बन का क्राइटेरिया बता रखा था, भले वो एल्काइल हो यानी नियो पेंटाइल हो या नियो पेंटेनम, तो मिनिमम जो कार्बन थे नियो के लिए वो फाइव फाइव थे, तो यहाँ पर नियो का यूज भी नहीं होगा। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जिस केस में हाइड्रोजन जहाँ जिस कार्बन से निकल रही है, हाइड्रोजन जहाँ जिस कार्बन से निकल रही है उसी कार्बन के नेचर के बेसिस पर उसका नाम दे दिया जाएगा। तो देखो चार कार्बन था, एक हाइड्रोजन निकली है, इसलिए ब्यूटाइल, तो नाम इसका पहले से ही पड़ा हुआ है, क्या है, ब्यूटाइल। लेकिन ये ब्यूटाइल कौन सा होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रही है उसी के बेसिस पर इसका नाम दे दिया गया, और क्या बन गया, ये टर्शियरी ब्यूटाइल बन गया। तो अगर आपसे कहा जाए इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, यस टर्शियरी ब्यूटाइल। अब एग्जांपल की बात करें तो आप क्या करोगे, एक तो देखो ब्यूटाइल की बात करें, देखो सिंपल से ब्यूटाइल की बात करते हैं, C4 H9 फ्री वैलेंसी। अब देखो यहाँ जो ब्यूटाइल है उस ब्यूटाइल को कंपेयर करते हैं अपन। देखो एक ब्यूटाइल अपने पास बन सकता है इस तरह का, समझिएगा, देखो कितने कार्बन है, फोर, कितने हाइड्रोजन है, थ्री टू फाइव, फाइव और फोर कितने हो गए, नाइन। अब ये अनब्रांच, इसलिए ये ब्यूटाइल कौन सा है अपने पास, एन ब्यूटाइल। अगर मैं इसी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से लिखता हूँ, जिसमें आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन है, तो ये जो ब्यूटाइल है वो कौन सा हो गया, यस आइसो ब्यूटाइल। और ये ब्यूटाइल जो अभी अपन ने जस्ट अपन ने डिस्कस किया है, ये वाला ब्यूटाइल, तो देखो यहाँ जो ब्यूटाइल वो कौन सा हो गया, यस टर्शियरी ब्यूटाइल। तो बात समझ में आएगी कंपैरिजन में, तो ये एन ब्यूटाइल हो गया, ये आइसो ब्यूटाइल हो गया, ये कौन सा ब्यूटाइल हो गया, यस कौन सा, टर्शियरी ब्यूटाइल। अब बात करते हैं इस टर्शियरी ब्यूटाइल के आगे के ग्रुप लगाने की, तो अगर मैं यहाँ पर OH ग्रुप अटैच करता हूँ, तो ये बनता है टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर CN अटैच करता हूँ, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल साइनाइड। अगर मैं यहाँ पर NH2 अटैच करूँ, तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन। अगर मैं यहाँ पर BR अटैच करूँ, तो देखो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता था ना, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा भाई, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ होता तो फ्लोराइड कह देता, अगर यहाँ पर आयोडीन लगा होता तो मैं आयोडाइड कह देता। तो ये था अपने पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब देखिए आगे इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
अब देखिए आगे अपन बात करें इन सभी के कंपैरिजन की, तो यहाँ टर्सिस ब्यूटाइल के एक तो कंपैरिजन ये वाला आपको याद रखना है जो मैंने अभी जस्ट बताया, इसको समझने का भाई ध्यान रखना। अच्छी चीज़ें अगर देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कन्फर्म है एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर उस तरीके को फॉलो करोगे, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो आपको सारे के सारे नॉर्मल क्रिएचर होन टिप्स हो जाएंगे भाई, ठीक है। लेकिन आपको फॉलो किस तरह से कर रहे हो, आप इसको किस तरह से याद करोगे, हर रोज आपको इसको एक बार एक दो बार रिवाइज कर लेना है। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, इसके बाद में ये परमानेंट आपको समझ में आ जाएंगे। हर एक बार अगर ये दिमाग में बैठे तो लाइफ टाइम आप कभी भी इन नेम्स के यानी नॉमनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व कर लोगे। चलिए बात करते हैं अपन आगे। अब देखो मैं यहाँ ले रहा हूँ यूज ऑफ एन, यहाँ ले रहा हूँ यूज ऑफ आइसो, यहाँ ले रहा हूँ यूज ऑफ नियो, यहाँ ले रहा हूँ मैं यूज ऑफ सेकेंडरी, और यहाँ ले रहा हूँ मैं यूज ऑफ टर्शरी। अब देखो पहचानना क्या है, सबसे पहले ये अनब्रांच के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड कार्बन चेन, अनब्रांच कार्बन चेन के लिए, और ये सभी के सभी क्या थे, ब्रांच कार्बन चेन के लिए यूज हो रहे थे। किसके लिए, ब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए, पहले कंडीशंस। दूसरी बात करें तो यहां देखो एल्केन के लिए, एल्केन के लिए सी इक्वल टू फोर था, और एल्काइल के लिए भी सी इक्वल टू फोर था, सॉरी थ्री था, ठीक है। एल्केन के लिए कितने कार्बन थे, फोर कार्बन, लेकिन मैंने कहा था कि प्रोपेन और ईथेन और मीथेन के आगे इनका यूज क्यों नहीं होता, तो मैंने बताया कि इनके आगे आइसोमर्स नहीं बनने की वजह से, इनके आइसोमर्स नहीं बनने की वजह से इनके आगे अपन एन आइसोनियो का यूज नहीं करते, लेकिन इस थ्री डिग्री कार्बन सॉरी तीन कार्बन के एल्काइल में अपन इनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनकी पोजीशन वन डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन की पोजीशन अलग अलग होने की वजह से उनके आइसोमर्स बनते हैं, इसलिए थ्री कार्बन से अपन ने एन आइसो का यूज सिखाया था या बताया था। चलिए आगे चले तो यहां अनब्रांच के लिए, इसके लिए भी देखो अगर मैं एल्केन की बात करूं तो सी इक्वल टू फोर कार्बन से, और एल्काइल की बात करें तो सी इक्वल टू थ्री कार्बन से आइसो का यूज होगा। अगर बात करें यहाँ की जाए तो यहाँ देखो सी ओ इस सी इक्वल टू फाइव एंड सी इक्वल टू फाइव, लेकिन यहाँ आपने को देखना है एल्काइल के लिए, देखो ध्यान रखना एल्काइल के लिए और एल्केन के लिए। अगर मैं यहाँ एल्केन की बात करता हूँ फाइव कार्बन की बात करूँगा, और अगर एल्काइल की बात करूँगा तो भी फाइव कार्बन की, लेकिन यहाँ मैंने बताया था आपको क्या याद रखना है, यस नियो स्ट्रक्चर, और अगर मैं एल्केन की बात करूं तो नियो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताई थी मैंने, और अगर मैं एल्काइल की बात करूं तो नियो स्ट्रक्चर में अपन ने या किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के बताया था। यहाँ जो मैंने डिस्कस किया था वो मैंने क्या कहा था भाई, इसमें क्या कहा था, यस आइसो स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, और इसमें अगर मैं ब्यूटेन की बात करता हूँ तो ये ब्यूटेन आइसो स्ट्रक्चर था, और यहाँ से अगर कार्बन चेन को बढ़ाना चाहें तो यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं, केवल एक्सेप्शन था आइसो ऑक्टेन, ठीक है। और अगर मैं एल्काइल की बात करूँ तो यहाँ पर अपने इनिशियल जो स्टार्टिंग कंपाउंड लिया था वो ये लिया था, जिसमें मैंने कहा था सी एच थ्री के साथ में सी एच का होना जरूरी है, तो ये कंपेरिजन है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर इसमें देखें तो यहाँ पर तो है कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हो गया एन ब्यूटेन और ये हो जाएगा एन प्रोपाइल। अब बात करते हैं यूज ऑफ सेकेंडरी की, तो मैंने कहा कि जब सेकेंडरी यानी आइसो का यूज नहीं होगा, जब आइसो का यूज नहीं होगा उस केस में जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकली हुई है उसी कार्बन के बेसिस पर उसका नेम्स दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये ब्यूटाइल है, और ब्यूटाइल जिस कार्बन यानी ब्यूटाइल का मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रही है वो कौन सा है, सेकेंडरी या टू डिग्री, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ऐसे ही अगर मैं टर्शरी की बात करता हूँ तो अगर मैंने कहूँ कि अगर जहाँ आइसो नियो और एन का यूज नहीं हो रहा है, सेकेंडरी का यूज नहीं हो रहा है, तो उस केस में अपन बात करेंगे नेचर ऑफ कार्बन की जिससे हाइड्रोजन निकली हुई है रिमूव हो रखी है, ब्यूटाइल था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन देखी जाए तो यहाँ थ्री डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन से निकली हुई है, इसलिए ये क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, ठीक है भाई। तो ये अपन ने ओवरऑल मॉलिक्यूल्स का जो आयन आइसो नियो सेकेंडरी और टर्शरी है उनका अपन ने कंपैरिजन कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्री वैलेंसीज से मैंने आपको क्या क्या जोन ऐड करना सिखा दिया, देखिए ओएच ग्रुप को अपन ने नाम दिया था एल्कोहल,
अगर मैं सयन की बात करूँ तो ये नाम दिया था साइनाइड, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ NH2 की तो ये है अपने पास अमाइन। ऐसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो ये है अपने पास फ्लोराइड, ठीक है भाई। अगर BR की बात करता हूँ ब्रोमाइड, अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो आयोडाइड, अगर मैं Cl की बात करूँ तो क्लोराइड। तो इस तरह से इनके नाम अपन इजी वे में दे सकते हैं, कब, जब आप इन ग्रुप को इनके साथ में जो फ्री वैलेंसीज हैं उनके साथ में अटैच करके, ठीक है भाई। ये जो फ्री वैलेंसी है इनके साथ में मैंने, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल मैंने करवा भी दिए हैं, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बात करते हैं अदर फंक्शन ग्रुप्स के जो रिमेनिंग रह चुके हैं उनका अपन नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, और वो कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है जिनका नोमेनक्लेचर अपन कॉमन नेम्स में, ध्यान रखना तरीका बता रहा हूँ बहुत ही लाजवाब तरीका, अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उन सभी के नोमेनक्लेचर भी आपको ईजी वे में समझ में आ जाएंगे। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नोमेनक्लेचर अपन पढ़ेंगे। एक तो अपन बात करेंगे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ये क्या है CWH, क्या है ये भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके कॉमन नेम्स में जो लास्ट वर्ड यूज होगा एज ए सफिक्स वो अपन यूज करेंगे इक एसिड, ठीक है। ये समझ लेना भाई, ये आईपीसी नहीं बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ कॉमन या ट्राइबल नेम्स। ऐसे इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, इसके जो डेरिवेटिव हैं, देखो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यही बता देता हूँ, डेरिवेटिव्स अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ तो यहाँ चार डेरिवेटिव हैं, एक ईस्टर ले लीजिए तो इसके लिए अगर अपन यूज करेंगे तो वर्ड यूज करेंगे एट, ठीक है भाई। ये वर्ड आपको याद कर लेना है बस एक बार, एट यूज करेंगे। दूसरा एसिड हैलाइड है, इसके लिए यूज करेंगे अपन इल हैलाइड, क्या कह रहा हूँ मैं इल हैलाइड, ये अपने पास क्या रहेगा आर, दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद में अपने पास आएगा अमाइड, क्या यूज कर रहे हैं अपन अमाइड, एक और अपन को लेना है एनहाइड्राइड, और ये एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एक एनहाइड्राइड। तो ये चार डेरिवेटिव हैं, देर आर फोर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच आर एस्टर, क्या है ईस्टर, मैं नाम लिख रहा हूं भाई, ये जो ग्रुप है COR ये कौन सा है ईस्टर, ये क्या है अपने पास एसिड हैलाइड, कौन सा है एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड, ये अपने पास कौन सा है अमाइड, और ये अपने पास कौन सा है यस एन हाइड्राइड। ये चार डेरिवेटिव है इनका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा अपन यूज करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स का, किसका भाई यस कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ये जो ग्रुप है अकेला ये ग्रुप। अब इसकी अगर दोनों में से एक वैलेंसी, देखो समझिएगा, एक वैलेंसी इस तरफ हाइड्रोजन से कवर हो रही है तो आप इसको क्या लिखोगे CH2, तो ये अपने पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया यस एल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ की वैलेंसी किसी एल्काइल ग्रुप से, या एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा एक तरफ हाइड्रोजन, या दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप होता है तो उस केस में, या दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है पर ये जो ग्रुप है उसको अपन एल्डिहाइड कह रहे हैं, या दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन चेन होंगे तो उस केस में इस कार्बन कंपाउंड को अपन क्या नाम देंगे की टोन। और एक और अपने को याद करना है ईथर, किसका ईथर का, जिसमें दोनों तरफ ऑक्सीजन के क्या जुड़े हुए हों एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इस अपन इस ग्रुप को अपन क्या नाम दे रहे हैं ईथर, इसके अंदर जो नाम अपन यूज करेंगे एज ए सफिक्स जो लास्ट में यूज करें, जैसे अपन इस तरह से अपन यूज करने के लिए कहा मैंने एट इल हैलाइड एसिड हैलाइड अमाइड, ठीक है, एक एनहाइड्राइड, ऐसे यहाँ पर यूज होंगे अपन एज इट इज एल्डिहाइड, क्या यूज होगा एज इट इज एल्डिहाइड, और यहाँ यूज कर लेंगे अपन, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये तो मैं खैर बता दूंगा वन यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूज होगा क्या एल्डिहाइड, इसके लिए यूज हो जाएगा एल्डिहाइड, और इसके लिए यूज होगा ऑन, वैसे तो IPC में वो यूज किया जाता है, यहाँ पर भी ये यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा कीटोन, क्या यूज करेंगे अपन कीटोन, ठीक है। यहाँ क्या यूज करेंगे अपन ईथर के लिए ईथर, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझनी है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इन सभी फंक्शन ग्रुप में इस ईथर को छोड़ करके सभी फंक्शन ग्रुप में एक चीज कॉमन है, वो क्या है ये CO ग्रुप। देखो सभी के अंदर अगर आपसे ये कहा दिया जाए शॉर्टली कि इन CO ग्रुप के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो अटैच ग्रुप हैं अगर वो बता दूं मैं, तो आपके लिए ये नॉर्मल कल्चर और भी
इजी हो जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको एक बार थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ से, बस आपको यही पहचानना है और सारे नॉर्मल क्वेश्चन एक साथ एक ही टाइम खत्म हो जाएंगे भाई। देखो कैसे, अगर मैं ये कह दूँ कि अपने पास ये CO ग्रुप है और इधर कोई फंक्शनल ग्रुप जो भी ये जुड़े हुए हैं, OH हो सकता है, OR हो सकता है, X हो सकता है, NH2 हो सकता है, इस तरह से ये ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जो इधर है इधर क्या क्या हो सकता है, अगर ये आपको बता दूं तो आपको इजी हो जाएगा कंपाउंड्स का नाम आइडेंटिफाई करना या राइट करना। तो देखिए अगर मैं ये कहूं कि इस CO से अगर केवल एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, उस कंडीशन में इसको क्या नाम दे रहा हूं, फॉर्म। क्या नाम दे रहा हूं भाई इसको, क्या नाम दे रहा हूँ, फॉर्म। बस ये आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है, क्या कह रहा हूँ, फॉर्म, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर यहीं इस CO के साथ में अगर CH3 जुड़ा हुआ हो तो इस कंडीशन में इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, एसिड। क्या नाम दे रहे हैं, एसिड, या फॉर्म प्लस और यहाँ एसिड प्लस। प्लस क्यों लगा रहा हूँ, ताकि इधर जो ग्रुप होंगे, जैसे अगर OH होता तो OH यानी एक एसिड लगा देता, फॉर्मिक एसिड बन जाता, अगर यहाँ OH होता तो एक लगा देता, एसिटिक एसिड बन जाता, इस तरह से। तीसरी कंडीशन, ठीक है समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा दूँ, यानी कितने कार्बन हो गए, अब यहाँ देखो समझने की है, यहाँ कितने कार्बन हो गए, ये ट्रिक है भाई, ध्यान रखना, इसका कोई मेथड नहीं दे रखा है किसी भी बुक में, ठीक है, ये याद करने का तरीका है जिसके लिए जिससे कि आपको क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ जाए और ये कंपाउंड्स के नाम याद हो जाए। देखो टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं इसमें, 3, इसलिए प्रोप, और इस कॉमन नेम के लिए यहाँ यूज किया जाता है आयोन, यानी इसको मैं शॉर्टली कह दूँ प्लस, प्रोपियोन, प्रोपियोन प्लस, ठीक है। ये चौथी कंडीशन में देखा जाए तो चार कार्बन की बात की जाएगी, और चार कार्बन का जो एल्क होता है वो ब्यूट होता है, ये अपन जानते हैं, तो इस चार कार्बन के लिए अपन यूज करेंगे ब्यूट प्लस, कॉमन नेम में YR जुड़ रहा है इसके लिए, यानी ये प्लस तो आगे रहेगा, ये क्या रह जाएगा, ब्यूटायर और प्लस, ठीक है भाई, ध्यान रखना। ऐसे अगर मैं पाँच कार्बन के लिए बात करूँ तो वैलर यूज होता है, क्या यूज होता है, वेलर यूज होता है, तो इस तरह से ये पांच कार्बन है भाई, इस पांच कार्बन के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, वेलर। केवल आपको ये आप समझना है, केवल ये चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो लेक्चर की हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इन सभी का नॉर्मल क्लेचर मैं आपको समझाऊंगा, तो जो वर्ड मैं यूज करूंगा वो आपको समझ में आ जाएंगे और आपके लिए सारे के सारे नॉर्मल क्लेचर वाले जो कंपाउंड्स हैं वो ऑन टिप्स आपको याद हो जाएंगे। क्या कह रहा हूं, क्या याद होना चाहिए, एक तो इनके जो लास्ट में लगा रहा हूं, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो मैं क्या जोड़ूंगा, एक एसिड जोड़ूंगा, अगर ईस्टर तो 8 जोड़ूंगा, एसिड एलाइड तो आइल जोड़ूंगा, अमाइड तो अमाइड जोड़ूंगा, और अगर एनहाइड है तो एक एनहाइड जोड़ूंगा, ऐसे अगर एल्डिहाइड हुआ तो एल्डिहाइड जोड़ूंगा, और कीटोन में हुआ तो कीटोन जोड़ूंगा, और अगर ईथर हुआ तो ईथर जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, प्लस आपको ये चीज़ें और याद करनी है, फॉर्म कब होगा जब CO से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, एसिड कब होगा जब CO से CH3 जुड़ा हुआ हो, प्रोपियोन कब होगा, प्रोपियोन कब होगा जब CO से इथाइल ग्रुप यानी तीन कार्बन का एल्काइल ग्रुप, टोटल तीन कार्बन के कंपाउंड हो। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ब्यूटायर की बात करूं तो टोटल कितने कार्बन के होंगे, कितने होंगे, चार कार्बन के। देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकता था, आइसो स्ट्रक्चर भी बना सकता था इसकी, क्या कर सकता हूं मैं, इसकी आइसो स्ट्रक्चर भी बना सकता था। देखो देखे तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, आइसोब्यूटायर नाम दे दूंगा, क्या नाम दे दूंगा, आइसोब्यूटायर नाम दे दूंगा। देखो दिख रहा है कि सबको आपको, ठीक है, नाम नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, ये इधर लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, आइसोब्यूटायर, क्यों, क्योंकि देखो CH भी है और CH से दो CH3 भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आइसोब्यूटायर लिख सकता हूँ। अगर आप ये कहोगे सर इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3CH2 COOH। देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इसलिए इसको आइसो वेलर भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, आइसो वेलर भी कह सकते हो, बात समझ में आए। अगर आप चाहो तो नियो वेलर भी बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों के नाम आपको याद करने हैं, बस ये वीडियो लेक्चर था जिसमें आपको ये लर्न करने की चीज़ें हैं। इसके बाद में अगर ये एक बार लर्न हो गई तो आपको फ्यूचर में भले 11th हो, 12th हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप बात करें उसमें आपको ये एक बार समझ में आ गया तो वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आई क्या, ठीक है, अगर समझ में आ गई तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम अपना वीडियो देख रहे हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्लीट वीडियो को देखते रहना और आगे वाले वीडियोस को भी आप परमानेंट रेगुलर देखते रहना, क्योंकि मैं रेगुलर ये वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेली अपलोड कर रहा हूँ।
ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आप देखते रहिए एआर केमिस्ट्री धाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।